बजा रहे हो ना आप लोग, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप आपको पता है कौन राम को लाया? तो गाय ही भगवान श्री राम को धरती पर लेकर के आई थी। अभी हमारी हिम्मत नहीं है भगवान श्री राम के सामने जाकर के खड़े होने की। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के पहले ही रामानंद संप्रदाय शैव शाश्वत और सन्यासियों को लेकर विवाद गहराता हुआ दिख रहा है। जहां पर पिछले दिनों ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बयान दिया था कि मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, शैव शाक्त और सन्यासियों का वहां पर क्या काम है, इस बात पर अब शंकराचार्य भड़के हुए नजर आ रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ये जो बयान है वो हिंदू समाज में फूट डालने वाला वक्तव्य है। अगर मंदिर रामानंद संप्रदाय का है तो सभी लोगों से चंदा क्यों लिया गया? और तो और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जो भी पुजारी साधु संत वहां पर पूजा करने जा रहे हैं वो बता दें कि अधूरे मंदिर में कैसे प्राण स्थापना और पूजा होती है। एक सवाल है, राजभूमि के क्षेत्र के जो ट्रस्ट के महासचिव है चंपत राय का बयान आया है कि पूर्व रामानंद संप्रदाय मंदिर को सौंपा जाए, उसकी प्रतिक्रिया की जाएगी? नहीं नहीं, वो कहते हैं, आप ठीक से नहीं बता पाए, उनका वक्तव्य कल ये आया है कि ये संप्रदाय, ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, शंकराचार्यों का, शैवों का, शाक्तों का यहाँ क्या काम है। तो हमारा ये कहना है कि उस वो जो जगह है जहाँ चंपत राय इस समय बैठे हुए हैं वो बहुत बड़ी जगह है, उनको बहुत उदार हृदय रखने की आवश्यकता है। और ये हिंदू समाज में फूट डालने वाला वक्तव्य है उनका कि रामानंद संप्रदाय का है। अगर रामानंद संप्रदाय का है तो बाकी हिंदू समाज से क्यों चंदा लिया गया? जिस समय ये मंदिर बनाने की बात थी, चंदा लिया जा रहा था, उस समय क्यों नहीं ये स्पष्ट कर दिया गया कि ये रामानंद संप्रदाय का है? तो रामानंद संप्रदाय के लोग चंदा देते, बाकी लोग ना देते। लेकिन इसमें तो हर हिंदू ने दिया, हर राम भक्त ने दिया, हर देशवासी ने दिया। क्यों? वो रामानंद संप्रदाय के कारण दिया, वो अपने कि हमारे राम है, ये राष्ट्र के राम है। आप इनको छोटे से परिधि में बांध रहे हो। दूसरे आप कहते हो रामानंद संप्रदाय का है, शंकराचार्य का क्या है? भाई हमारा मंदिर नहीं होता, शंकराचार्य का कोई मंदिर नहीं होता, लेकिन शंकराचार्य हर मंदिर पर धर्म की व्यवस्था देने के लिए अधिकृत हैं, धर्म का निर्णय हम देते हैं। तो और जो रामानंद संप्रदाय का आप कह रहे हो, रामानंद संप्रदाय का शास्त्र भी वही है जो हमारा शास्त्र है। हम दोनों का शास्त्र अलग अलग नहीं है कि उनका शास्त्र अलग है हमारा शास्त्र अलग है, हम लोग एक ही शास्त्र के अनुसार चलते हैं। आप ये बता दे कोई भी विद्वान, रामानंद संप्रदाय का बता दे, चंपत राय बता दे, कोई विद्वान बता दे, जो पंडित वहां पर प्रतिष्ठा कराने के लिए आपके दबाव में जा रहा है वो खड़ा होकर के बोल दे कि अधूरे मंदिर में कैसे प्रतिष्ठा होती है। अभी मंदिर पूरा बना नहीं, आप प्रतिष्ठा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? और अगर आपने कर दिया तो राम मंदिर में हो जाएगा तो पूरे देश में यही हो जाएगा, मनमानापन हो जाएगा, तो धर्मशास्त्र की तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। तो धर्मशास्त्रों की जो मर्यादा बनी हुई है उसको सुरक्षित रखने की दृष्टि से हमारा ये कर्तव्य बनता है, जिस जगह पे हम बैठे हैं उस जगह का ये दायित्व है कि हम बिना परिणाम का भी विचार किए धर्मशास्त्र की जो बात है उसको स्पष्टता के साथ कहें। और यही देश हित में है, यही लोक हित में है। अगर अशास्त्रीय कार्य होगा तो उसका परिणाम होता है, अगर हम शास्त्र के अनुसार करते हैं तो हमको अच्छा फल मिलता है, अगर हम शास्त्र के विरुद्ध करते हैं, मनमाना करते हैं, तो हमको बुरा फल मिलता है। तो जो लोग उस कार्य में लगे हुए हैं, और उस कार्य में तो अब कोई एक व्यक्ति थोड़े लगा है, पूरा देश लगा है, तो पूरे देश का अहित होगा, हम इसका विचार करके बोल रहे हैं। लेकिन चंपत राय पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद यही नहीं रुके, शंकराचार्य ने कहा कि आपने ऐसे छोटे व्यक्ति को वहां पर बैठा दिया है कि जो लगातार छोटी बातें कर रहा है। जी, जैसे कोई धर्म है या कोई मंदिर है सभी के लिए एक होना चाहिए, जैसे राजनीतिक कुछ नेताओं की वजह से बंटवारे हो रहे हैं, ऐसे कैसे देखते हैं इसको आप? हम यही कह रहे हैं कि बंटवारा इसी तरह के लोगों के कारण हो जा रहा है जैसे चंपत राय। अब चंपत राय ने ये जो वक्तव्य दिया है देशव्यापी निंदा हो रही है, जिन मोदी जी ने भरोसा करके उनको बैठाया है वो मोदी जी परेशान होंगे उनके वक्तव्य से कि ये क्या भेद करने वाला वक्तव्य दे रहा है व्यक्ति। तो समझदार व्यक्ति को सही जगह पे बैठाना चाहिए ना, जो उदारता पूर्वक सबको लेकर के चले, सबके हित की बात करे, शास्त्र का पालन करे, आपका भी हित करे। आपने ऐसे छोटे व्यक्ति को बैठा दिया जो छोटी बात कर रहा है, ये तो मोदी जी को भी जवाब देना पड़ेगा, उनकी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। ऐसे आदमी को बैठाना नहीं चाहिए, ऐसे विचार करके अच्छे आदमी को बैठाएं ताकि वो अच्छा वक्तव्य दे, सबको समाहित करे। राम जी सबके हैं, सब राम जी के हैं, कौन बराया है? रामानंद संप्रदाय का शास्त्र अलग नहीं है, रामानंदी कोई खड़ा होकर बता दे कि अधूरे मंदिर में कैसे प्रतिष्ठा होती है, बता, हम सुनना चाहेंगे। और अगर हम ये कहते हैं कि अगर रामानंद संप्रदाय का है तो चंपत राय वहां क्यों बैठा है?
रामानंद संप्रदाय के साधु को दिया जाना चाहिए ना, रामानंद संप्रदाय की उपेक्षा कर दी गई। निर्मोही अखाड़ा जो रामानंद संप्रदाय का एक अखाड़ा है, उसके व्यक्ति को तो ट्रस्ट में बड़ी मुश्किल से लिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उसके बाद चेहरा बचाने के लिए नृत्य गोपाल दास जी को लिया गया, लेकिन नृत्य गोपाल दास जी को लिया भी गया तो पहली बैठक में ही हस्ताक्षर करने का, अध्यक्ष के रूप में हस्ताक्षर करने का जो अधिकार है वो अनिल मिश्रा को दे दिया गया, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यक्ति हैं। पहली ही बैठक में अध्यक्ष से कागजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यक्ति को क्यों दिलवा दिया? अगर आपको रामानंद संप्रदाय पर भरोसा था तो रामानंद संप्रदाय का क्या आपने भरोसा किया? और अभी भी अगर आप कहते हैं कि मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, हम स्वागत करते हैं, रामानंद संप्रदाय का सौंप दीजिए और आप हट जाइए वहाँ से। फिलहाल शंकराचार्यों के द्वारा राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर मना करने के बाद इस बात पर राजनीति गर्मा गई है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि आगे आने वाले समय में आधे बने मंदिर में कैसे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है। मनसा से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक। ಸಿಯಾನ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮುಕ್ತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.